as alaikum students and good morning hope you all are fine today we are going to start second chapter of our sst book that is chapter number three and the name of this chapter is mean agricultural product of the muslim world it is on page number 10 first let me explain what is the meaning of agricultural products agricultural product means production of food by preparing the land to grow crops on a large scale and in Urdu, you can say Zaray Masnuat. And all you know about the meaning of Muslim world Muslim world means those countries whose government have declared that they are Islamic State. Okay, for example, Pakistan, Turkey, Saudi Arabia, Iran. Now I am going to start reading of this chapter, but first, you people should have pencils in your hands to write the meaning of the difficult words. Okay. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एग्रिकल्चर इज द मेन ऑक्युपेशन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन द मुस्लिम वर्ल्ड वर्ल्ड ऑक्युपेशन को अंडरलाइन करें मीन्स पेशा दीज कंट्रीज प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फॉर देयर ओन यूज एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट वर्ल्ड एक्सपोर्ट को अंडरलाइन करें एक्सपोर्ट मीन्स द थिंग्स विच अ कंट्री सेल्स टू द अदर कंट्री और अगर उर्दू में इसको देखें तो इसके मीन्स एक्सपोर्ट के ही होंगे वो अशिया जो एक मुल्क दूसरे मुल्क को बेचता है वो एक्सपोर्ट कहलाती हैं ओके तो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ दे आर सेइंग एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फॉर इकोनमी ऑफ एनी कंट्री एंड इट्स डेवलपमेंट ऑलमोस्ट फोर्टी एट परसेंट ऑफ लेबर फोर्सेज इज इंगेज डायरेक्टली विद द एग्रीकल्चर सो इट मीन्स एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लिविंग और इनकम ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ इकोनमी पॉपुलेशन यानि एग्रीकल्चर जो है वो किसी भी कंट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्यों क्योंकि ऑलमोस्ट फोर्टी एट परसेंट जो है वो लेबर फोर्सेज इंगेज होती हैं एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में ओके दैट इज वाई दे आर सींग एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन नाउ कम टू द फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दैट इज़ वूल वूल मीन्स ऊन

Woolen cloth, it may contain a small pocket of air, means the air can flow through the fabric, allowing the body to cool itself through the evaporation of sweat. If it is crushed, it quickly returns to its original state. Basically, this is the quality of wool. If we will crush it, it will come into its original state. Some of the highest quality wool in the world come from the sheep in Kazakhstan. Kazakhstan is a country and it is located in Central Asia. It means Kazakhstan exports high quality of wool in the world. Okay, now come to the next paragraph. The wool from sheep and sometimes goats in Pakistan and Turkey too much harder and rougher is perfect for carpet making. एक्चुअली पाकिस्तान एंड टर्की आर द बेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कारपेट बिकॉज इन दीज कंट्रीज हैव हार्ड एंड रफ क्वालिटी ऑफ वूल डेट इज़ वाई दे मेक कारपेट फ्राम देट टाइप ऑफ वूल द मुस्लिम वर्ल्ड सप्लाईज अबाउट टेन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स वूल फ्राम एन अफगानिस्तान पाकिस्तान टर्की एंड सेंट्रल एशियन कंट्री यानी जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ uh, हैं वो टेन परसेंट वूल सप्लाई करते हैं जिसमें कौन कौन से हैं ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान टर्की एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं Now, come to the next uh, agricultural product that is cotton. Today, cotton is one of the world's leading agricultural crop. It can be used for many purposes cheap clothes for everyday use as well as expensive luxury material. It can be made into the thinnest and finest of fabric or, or into the heavy canvas for tents and sails. It is comfortable to wear in hot climates as it rapidly absorbs moisture released from the body as sweat. Sweat, Kondala, current sweat means. पसीना नाव अडेज कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूज फाइबर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड इज कॉटन यू कैन सी इन द डायग्राम वी कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम कॉटन लाइक टॉवल क्लर्थ टेंट्स ये टेंट्स उनकी बात हो रही है जो शादी ब्याह वगैरह के मौकों पर आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे टेंट्स ये वो टेंट्स की बात हो रही है अच्छा अब नाव द को क्वेश्चन इज़ कि ये बनता है कैसे ये कॉटन से कपड़े टॉवल ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं बेसिकली फर्स्ट क्या होता है कॉटन को जो है वो एक आ, कुछ आ, बड़ी बड़ी मशीनरीज़ होती हैं जिस जिनमें डाल दिया जाता है और जिनके ज़रिए बारीक बारीक बारी से थ्रेड्स बनते हैं थ्रेड्स तो आप लोग जानते होंगे धागे थ्रेड्स बनते हैं उन थ्रेड्स के जरिए डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट बनाई जाती हैं जिसमें क्लॉथ्स भी हो गए हैं टावल्स भी हो गए हैं बेड शीट्स होती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं इट कैन बी बॉइल्ड टू किल ऑफ़ एनी जर्म्स और इन्फेक्शन इट मे कंटेन वैन द फाइबर्स हैव बिन रिमूव फॉर स्पिनिंग स्पिनिंग को अंडरलाइन करें मीन्स क्रिएटिंग फ्रैट एंड वीविंग को अंडरलाइन करें मीन्स बुन्ना दीड्स आर क्रश टू मेक ऑयल फॉर कुकिंग द रिमेन्स ऑफ द क्रश सीड्स आर गुड फॉर फीडिंग एनिमल्स दे आर सींग दीड्स आर क्रश टू मेक ऑयल फॉर कुकिंग मीन्स आप लोगों ने वेजिटेबल ऑयल के बारे में सुना तो होगा तो वेजिटेबल ऑयल हमें कहाँ से हासिल होता है वेजिटेबल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट आफ्टर द कॉटन लिंट हैज़ बीन रिमूव्ड ओके और जो रेस्ट ऑफ द सीड्स होते हैं वो किसके काम आते हैं फीडिंग ऑफ एनिमल्स के काम आ जाते हैं और मुस्लिम कंट्रीज़ जो है वो ट्वेंटी परसेंट वर्ल्ड्स कॉटन सप्लाई करता है जिसमें जो मुस्लिम कंट्रीज़ के नाम हैं उसमें इजिप्ट है पाकिस्तान टर्की उज्बेकिस्तान एंड सूडान

उसको एक मशीन में डालते हैं और जूसस उसके निकालते हैं ठीक है फिर जूस को जो है वो बॉईल करते हैं ह्यूज ओपन पैंस में ठीक है जिसमें जो वाटर जो होता है वो टर्नस टू स्टीम बन जाता है एंड द शुगर क्रिस्टल्स आर लेफ्ट बिहाइंड जो शुगर क्रिस्टल्स होते हैं वो रह जाते हैं ठीक है द थिक स्वीट सीरप इज़ मेड इंटू मोलासिस फॉर कॉन्फिक्शनरी मोलासिस को अंडरलाइन करें मोलासिस मीन्स अ थिक डार्क ब्राउन जूस ऑबटेन फ्राम आर रॉ शूगर ड्यूरिंग द रिफाइनिंग प्रोसेस ये एक थिक डार्क ब्राउन जूस होता है दे आर सेंग ना दिक स्वीट सीरप इज मेड इन टू मुलासिस एक जो है वो गाढ़ा सा स्वीट सीरप होता है जो मुलासिस बनाता है फॉर कॉन्फिक्शनरी कॉन्फिक्शनरी को अंडरलाइन करें कॉन्फिक्शनरी मीन्स मिठाइयाँ केक्स एंड एनिमल फूड्स जो इन इन चीज़ों पर डालने के काम आता है उसको जो एक स्वीट सा सीरप थिक स्वीट सीरप होता है वो जो है उसको मुलासिस कहते हैं और वो केक्स और मिठाइयाँ वगैरह जो बनाते हैं उनमें डालने के काम आता है द रिमेन्स ऑफ द शुगर कैन गैस कैन बी यूज टू हीट द फर्निसज फॉर बॉइलिंग डाउन गैस को अंडरलाइन करें गैस मीन्स द पर्प रिमेनिंग आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस फ्रॉम शुगर कैन अच्छा अभी जब पल्प जो रह जाते हैं जब शुगर कैन से जब जूस निकाल देते हैं और जो उसका पल्प रह जाता है पल्प मीन्स जो उसका आ, आ, क्या कहना चाहिए बुरादा जिसको बुरादा कहते हैं उर्दू में पल्प को तो उसका जो बुरादा रह जाता है वो भी यूज़लेस नहीं होता उससे भी काम लेते हैं क्या करते हैं उसको फर्नेसिस को अंडरलाइन करें फर्नेसिस मीन्स भट्टी उसको भट्टी में डाल देते हैं बॉईल करते हैं उसको बॉयल करने के बाद वो किस काम आता है एनिमल फूड के काम आता है और उससे एक और काम लिया जा सकता है जो कि यूज़ फॉर मेकिंग अ काइंड ऑफ बोर्ड यूजड इन बिल्डिंग सीलिंग्स ठीक है ये दो काम के भी वो ये दो मकसद के भी वो काम आता रहता है इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो प्रोड्यूस करता है थ्री पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ़ द वर्ल्ड शुगर वैसे तो ब्राज़ील जो है वो इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इट प्रोड्यूस थर्टी थ्री परसेंट ऑफ ऑल द शुगर कैन इन द वर्ल्ड लेकिन अगर आप यू मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ जाइए तो पाकिस्तान भी जो है वो थ्री पॉइंट फाइव परसेंट शुगर जो है वो वर्ल्ड्स को सप्लाई करता है ओके आई विल एक्सप्लेन यू रेस्ट ऑफ़ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू